नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 के संदर्भ की अगर हम बात कर रहे हैं, 2023 की नहीं कर रहे, 2022 जिसके फॉर्म जून से शुरू हुए थे और वापस जून आने वाला, लगभग एक साल हो गया, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जो अभी भी शेष है, यानी कि कई जिलों को तो मिल गई है, कई जिलों को नहीं मिली है अभी भी, है ना। स्कूटी का वितरण का कार्य चल रहा है, जैसे कई पूछ रहे पाली में कब मिलेगी, इनका यह कहना है करौली जिले में कब मिलेगी, कई भाई देखिए ना बांसवाड़ा में कब मिलेगी। देखिए भाई, पाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताए सर, है ना, बर्फ कब मिलेगी, यानी ये पूछना चाह रहे हैं इस जिले में कब मिलेगी। देखिए भाई, चित्तौड़गढ़ में कब तक मिलेगी स्कूटी, क्या समाचार है। देखिए भरतपुर जिले में कब तक मिलेगी, पाली जिले में कब मिलेगा, हैं बारह जिले में कब मिलेगा, मतलब बहुत शेष है अभी भी जिले, है ना। देखिए मैं चूरू से हूँ, मतलब कि चूरू से जो है स्कूटी कब मिलेगी, यानी कि वो तो आज मिलने वाली, जयपुर में कब मिलेगी, उसके बाद बारह जिले में स्कूटी कब मिलेगी। और देखिए आप, इसी के अलावा सर अलवर जिले में कब मिलेगी स्कूटी, सांबर को कब मिलेगी, राजसमंद में कब मिलेगी, सीकर में कब मिलेगी, उसके अलावा झालौर में कब तक मिलेगी, बारह जिले में कब मिलेगी, ये मतलब इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपके खड़े हो रहे हैं, यानी कई जिले ऐसे हैं जिनको स्कूटी मिल चुकी है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जो अभी भी शेष है। उसके बाद हम इस वीडियो में करेंगे कि आखिर उनको अब स्कूटी कब मिलेगी, जो भाई ने पूछा कि पाली है, झालौर है, सीकर है, राजसमंद है, इनको स्कूटी नहीं मिली अभी तक जैसलमेर, तो जिनको स्कूटी नहीं मिली जिन जिले वाले को, उनको कब तक मिलेगी, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कुछ देखने का नहीं, वीडियो में केवल सुनने का है, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको और बताता हूँ कि स्कूटी का कैसे क्या होता है। देखिए साथियों, अलग अलग जिले वाले की अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग जो है प्रशासनिक मान्यता उन्हें प्राप्त होती है कि इस जिले में जो है इतनी स्कूटी, जैसे आज है 5 मई, तो आज 5 मई को राजस्थान के चूरू जिले में जो है 104 स्कूटियां वितरित की जाएगी, तो उन्हें प्रशासन के द्वारा 104 स्कूटियां का बिल उन्हें पारित किया गया है, इसलिए मिलेगी। हम सीधे बात करते हैं जिनको मिल गई है उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अग्रिम मतलब शुभकामनाएं, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। जिनको नहीं मिली उसके संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, जिनको नहीं मिली अब उनको कब तक मिलेगी। देखिए मैं आपको समझा लूं कि 30 जून 2022 से जो ये फॉर्म शुरू हुए थे इसके एक साल होने आया है, लगभग होने आया है, मान लीजिए 10 महीने तो हो गए हैं, हो ही जाएंगे जुलाई तक। देखिए जुलाई तक जाएगी, ये बात आपको कड़वी लगेगी कि इतना कहां क्या कर रहा है। जुलाई तक आपको स्कूटियां वितरित कर दी जाएगी। सबसे पहले तो 33 ही जिले, जितने भी जिले हैं 5000 स्कूटियां सरकार को देनी, तो 5000 स्कूटियां जुलाई तक आपको वितरित कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगस्त में आपको स्कूटी नहीं मिलेगी, अगस्त में आचार संहिता लग जाएगी, नॉर्मल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक। अब जिनको नहीं मिली है नॉर्मल, इसके बाद प्रोसेस चल रही है, कई जिलों को मई तक मिल जाएगी, कई जिलों को मई में, कई जिले का नंबर आ जाएगा मई महीने में, वो निपटा लेंगी मई में। उनका टारगेट है समाज कल्याण विभागों वालों का कि मई मई में जितने भी शेष स्कूटियां हैं सामाजिक अधिकारिता वालों का, सबको स्कूटी दी जाएगी। फिर भी स्कूटियां कुछ जिले का काम पूर्ण रहता है जाता है, तो उनको जून तक। देखिए जुलाई तो मैंने अधिकतम समय लिया है, मैं मतलब कम से कम नहीं ले रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहा हूं। जुलाई तक तो आप वैसे जुलाई तक स्कूटियां सबको वितरित कर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जून में जुलाई ऐसे ही ले रहा हूं, लेकिन जून तक वैसे स्कूटियां मई में सबको वितरित कर दी जाएगी। आप जैसे कई भाई बोलो पाली चूरू मई के एंड तक, 31 मई में इसे पहले स्कूटी आप चला लोगे, मैं भी गारंटी उसके साथ बोलता हूँ, नहीं भी चलाओगे तो जून में तो पक्की है, जुलाई में तो आप सोच नहीं, मत जुलाई में तो कुछ नहीं है, बस जुलाई में तो हो जाएगा काम सारा, सारा निपट जाएंगे। कुल मिलाकर जून जून में आपकी स्कूटी आपके हाथों में होगी, वैसे मई में हो जाएगी स्कूटी, लेकिन फिर भी देखिए यार, फिर भी मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, जून जून में स्कूटी आपके हाथों में होगी, जून में आप चलाओगे, जुलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, जुलाई में निपट जाएगी, खत्म हो गया बस कुछ नहीं, जुलाई में तो नया स्कूटी की प्रोसेस चल जाएगी। अब रही बात नई स्कूटी की कब मिलेगी, इसकी प्रोसेस भी बहुत जल्द होगी, जैसे इसके जो प्रोसेस चालू होगी वो आचार संहिता के बाद ही होगी, और इलेक्शन चुनाव से पहले आपको वितरित कर दी जाएगी, इसकी भी अपडेट मैं समय से पहले देता रहूंगा। लेकिन इसके बाद की ये जो बाकी रही स्कूटियां 2022 में जिनको नहीं मिली उनको मई के एंड तक मिल जाएगी, मई के एंड तक नहीं तो जून जून में तो आपको निपटा देंगे, स्कूटी दे देंगे, नो टेंशन, बारिश से पहले पहले आपको स्कूटी दे देंगे, बारिश जुलाई तो बारिश का मौसम है, अरे जून एंड में तो बारिश आएगी,
बारिश में वो ऐसा उठपटांग काम नहीं करेंगे, मतलब ऐसा रिस्क नहीं उठाएंगे कि बारिश में कैसे विकलांग जन परेशान हो। इसलिए वो जून के एंड तक 20 जून से पहले सबको स्कूटियां दी जाएगी, 5000 स्कूटियां 20 जून से पहले पहले वितरित कर दी जाएगी। ठीक है ना साथियों, यह खबर सुन के देखिए मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैसेज बता रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने कई लोग भाई को कहा था मई तक जाएगी प्रोसेस, मई तक जाएगी, जा रही है आज 5 मई है और 5 मई को जो चूरू में जो है स्कूटियां आज मिलने वाली है। और कई भाइयों से मुझे निवेदन है कि मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दे अगर आप वीडियो बनाओगे तो। ठीक है ना, कई भाइयों को सहायता मिले अच्छी तरह से, देख सकते हो उन्हें सांत्वना मिल जाए। ठीक है ना साथियों।